माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने के बारे में बातें करेंगे कि गहरी सांस लेने के कितने लाभ हैं, कितने बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है वो उसके होने की जो बुनियादी वजह है, जो प्राइम रीज़न है, वो है हमारा सांस लेना। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारे शरीर में प्राण तत्व है। जैसे ही हम सांस लेना बंद कर देंगे वैसे ही हमारा प्राण तत्व भी खत्म हो जाता है। इस बात से, इस तथ्य से, इस फैक्ट से हम सांस लेने की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। लेकिन सांस लेने का जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित कि वो हमारे प्राण को जीवित रखता है या हमारे प्राण को बनाए रखता है। इसके अलावा इतने सारे उसके फायदे हैं और इतने सारे डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में उसके फायदे हैं कि जब मैं आपको वो फायदे गिनाऊंगा तब आपको मालूम चलेगा, ओहो अच्छा तो सांस लेने से ये काम भी सांस लेने से होता है, ओहो ये भी सांस लेने से होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको फायदे गिनाऊं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि गहरी सांस आखिर ले कैसे। सांस के गहरी सांस लेने के फायदे तो समझ में आ गए, लेकिन उसको लेना भी आना चाहिए। और कैसे लें और दिन में कितनी बार लें, कैसे उसको हम अपने रूटीन का, अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना सकते हैं, ये सब बातें मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग के फायदे। पहला फायदा, खुशी बढ़ाए दर्द घटाए। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन न सिर्फ खुशी की अनुभूति देता है बल्कि शरीर के लिए दर्द निवारक पेन किलर का काम भी करता है। दिन में 4-5 बार गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपने 4-5 बार खुद को खुश होने की वजह दी है। एंडोर्फिन दर्द को जो कम करेगा सो अलग। दूसरा फायदा, ब्लड फ्लो में सुधार होता है। गहरी सांस लेने से शरीर के टॉक्सिन दूर होते हैं। शरीर जितना इन टॉक्सिन से मुक्त होता है उतना ही उसमें रक्त संचरण यानी ब्लड फ्लो बेहतर होता है। जितना ब्लड फ्लो ठीक होता है उतना शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचता है और वह स्वस्थ बना रहता है। ब्लड फ्लो अच्छा होने से हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है। तीसरा फायदा, इम्यूनिटी बेहतर होती है। गहरी सांस से शरीर के टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं और ऑक्सीजन भीतर आती है। जब खून में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिली होती है तो वह आपके जरूरी अंगों की फंक्शनिंग और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। इसीलिए कोरोना से लड़ने के लिए कई लोगों ने प्राणायाम की बहुत मदद ली। साफ सुथरा बिना टॉक्सिन्स का हेल्दी खून सभी प्रकार के इन्फेक्शंस को दूर रखता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। यह शरीर में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के घुलने में भी मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी संक्रमण से जल्दी रिकवर हो जाएं। चौथा फायदा, एंजाइटी दूर करता है। मनोवैज्ञानिक एंजाइटी का शिकार हुए अपने पेशेंट्स को इसके अचूक इलाज के रूप में गहरी सांस लेने को बोलते हैं। वह उनके लिए इस बीमारी का रामबाण इलाज है। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने से हार्ट रेट कम होता है, इससे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। इससे हॉर्मोन्स का संतुलन भी ठीक होता है, यानी एंजाइटी बढ़ाने वाला कोर्टिसोल कम होता है जबकि खुशी की अनुभूति पैदा करने वाला एंडोर्फिन बढ़ता है। पांचवा फायदा, नींद अच्छी होती है। जिन लोगों को नींद न आने का रोग है यानी जो इंसोम्निया का शिकार हैं उन्हें डॉक्टर प्राणायाम यानी सांसों की एक्सरसाइज करने को कहते हैं, क्योंकि गहरी सांस शरीर के टॉक्सिन साफ करती है और हमें अच्छी गहरी नींद देती है। गहरी सांस के जरिए जितनी ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचेगी दिमाग उतना शांत रहेगा
और जितना हमारा दिमाग शांत रहता है हम उतना ही बेहतर गहरी नींद ले पाते हैं। छठा फायदा, एनर्जी बढ़ाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से हमें खून में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लेते हैं वे जीवन की समस्याओं का हंसते हुए मुकाबला करते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या को भी सहज ही सुलझा लेते हैं। ज़्यादा एनर्जी के कारण हम मुश्किल स्थितियों से घबराते नहीं, उनसे दूर जाने की बजाय हम उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। सातवां फायदा, शरीर का पोस्चर ठीक रहता है। गहरी सांस लेने की क्रिया ऐसी है कि आपका शरीर खुद ही सीधा हो जाता है, क्योंकि सीधे शरीर से ही लंबी और गहरी सांस लेना मुमकिन है। झुके हुए शरीर से आप गहरी लंबी सांस नहीं ले सकते। इसलिए जो लोग गहरी सांस लेते हैं, रेगुलर प्राणायाम करते हैं, उनकी रीढ़ सीधी रहती है, कंधे भी झुकते नहीं। फेफड़ों में जब हवा भरती है तो इससे रीढ़ भी अपने आप सीधी होने लगती है। आठवां फायदा, ज्वलन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से इस तथ्य को उजागर किया है कि शरीर जितना अम्लीय यानी एसिडिक रहेगा उतना कैंसर जैसे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके उलट शरीर अगर क्षारीय यानी अल्काइन रहता है तो कैंसर कभी पास नहीं फटकता। गहरी सांस लेने से शरीर की अम्लीयता यानी एसिडिटी कम होती है, यानी वह ज़्यादा अल्काइन बनता है। तनाव से भी शरीर की एसिडिटी बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग तनाव को कम करता है, जिसकी वजह से शरीर की एसिडिटी भी कम हो जाती है। नवा फायदा, शरीर को डिटॉक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा टॉक्सिक पदार्थ है जो सिर्फ सांस के जरिए ही शरीर से बाहर निकलता है। जब हम उथली सांस लेते हैं तो शरीर खुद को टॉक्सिक पदार्थों से मुक्त करने वाले दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण शरीर जल्दी थकने लग जाता है। डीप ब्रीदिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए ही बाहर निकल जाती है और शरीर को ज़्यादा थकने नहीं देती। दसवां फायदा, लिम्फेटिक सिस्टम को दुरुस्त करता है। हमारे शरीर में लसिका द्रव यानी लिम्फ फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम में ठीक से मूव करने के लिए सांस की अहम भूमिका होती है। उथली सांस से लिम्फ फ्लूइड सिस्टम में बहुत धीमी गति से प्रवाहित होता है, गहरी सांस से उसका प्रवाह सुधरता है और शरीर वायरस आदि के भारी हमलों से ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ पाता है। 11वां फायदा, पाचन यानी डाइजेशन सुधारता है। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होती है। यह अतिरिक्त ऑक्सीजन हमारे पाचन तंत्र में भी जाती है और पाचन क्रिया को इम्प्रूव करती है। गहरी सांस लेने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो आंतों यानी इंटेस्टाइन का काम भी सुधारता है। इससे पाचन और अच्छा होता है। गहरी सांस लेने के कारण तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा कुशलता से काम करता है, जिससे पाचन क्रिया और अच्छी हो जाती है। 12वां फायदा, माइंड और बॉडी को आराम मिलता है। जब हम गुस्से, तनाव या घबराहट में होते हैं तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं और सांसें बहुत उथली हो जाती हैं। आपने देखा होगा, गुस्से में आदमी छोटी छोटी सांसें लेने लगता है। गुस्से के वक्त दिमाग भी अशांत हो जाता है। सांसें छोटी होने से मसल्स टाइट होती हैं, तो सांसें गहरी होने से मसल्स पर उल्टा असर पड़ता है, वे रिलैक्स हो जाती हैं, दिमाग भी शांत हो जाता है। शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स रहते हैं तो आप अपने सभी कार्य ज़्यादा एकाग्रता, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कर पाते हैं और जीवन में सफलता के नए नए मुकाम हासिल करते हैं।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप गहरी सांस ले कैसे। मैंने पहले भी एक अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला उसका सिर्फ एक है, एक्स 4x एंड 2x। एक्स जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जो लोग बहुत ही उथली सांस ले पाते हैं, वो एक्स की जगह 2 या 3 का अंक रख सकते हैं, यानी कि 2 से 3 से 3 गिनती गिनने तक उनको इनहेल करना है, सांस लेनी है। क्योंकि क्या होगा कि जिनको अभ्यास नहीं है वो ज़्यादा लंबी देर तक सांस खींच नहीं सकते, तो 2 या 3 से शुरू कीजिए और इसको 4, 5, 6 तक भी आप जा सकते हैं। जो लोग अभ्यस्त हो जाएंगे धीरे धीरे, जिनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वे 4 सेकंड तक, 4 गिनने तक भी सांस को ले सकते हैं। जैसे मेरे मामले में मैं इसको इवन 8 गिनने तक भी सांस को इनहेल कर सकता हूँ, लेकिन वो कई वर्षों के अभ्यास के कारण है। आप लोग तो एक्स जो है वो है आपके इनहेल कितनी देर तक करना है, नंबर ऑफ काउंट्स। जैसे 3 अगर मैं रखता हूँ इनहेलिंग में, 2, 3, यानी कि 3 गिनने तक आपने इनहेल किया, और 3, 4, 12 12 गिनने तक आपने उसको होल्ड करके रखा, ठीक है, सांस को होल्ड करके रखा, और उसके बाद 2x 6 काउंट तक आपने उसको एक्सहेल किया, ठीक है, ऐसे इनहेल होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्सहेल। तो ये एक सेट हो गया। जो लोग को थोड़ा अभ्यास है वो लोग 4 सेकंड तक, 4 काउंट तक सांस को ले सकते हैं, 16 तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं और 8 तक आप उसको एक्सहेल कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके ब्लड में आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, आपके ब्लड में भरपूर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। जितनी आपकी आपको अपने भीतर ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की पावर आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप ये पाएंगे कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है, वो साथ में बढ़ती जाएगी। तो आप अगर 2x से शुरू करेंगे, 2 काउंट से शुरू करेंगे, तो महीने 2 महीने में आप पाएंगे कि आप आराम से 4 से 5 काउंट तक भी पहुंचने लग गए। तो जब हम दिन में हम इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं, जहाँ भी हमको कभी भी आपको स्पेशली जब आपको ऐसे को भी मेंटल मानसिक द्वंद या मेंटल मूवमेंट ज़्यादा हो रहा हो, जब कभी जैसे जब आपको एंजाइटी हो रही हो, हैं, उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, या बहुत सारे विचारों का आरोह, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाएं, तो उस वक्त आप सिर्फ आँखें बंद करके, ठीक है, और आप इनहेल की गहरी सांस लीजिए, 3 काउंट तक सांस लीजिए, उसको रोक के रखिए 12 काउंट तक, और एक्सहेल कर दीजिए, हैं, 6 काउंट तक एक्सहेल कीजिए। ऐसा आप अगर दिन में 4-5 बार भी करेंगे, सिर्फ 2-3 महीने में ही आप फर्क देखेंगे कि आपका अपने माइंड के ऊपर भी कंट्रोल बढ़ रहा है। न सिर्फ आपको इसके फिजियोलॉजिकली आपको इसके फायदे होंगे कि आपकी शरीर में आपका निरोगी रहने लगेगा, कोई आपको रोग नहीं होगा, ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, आप विकट स्थितियों का जो मुकाबला है वो भी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आपके माइंड में, देखो माइंड में 20% जो है, हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसका 20% ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, माइंड के लिए चाहिए। होता क्या है कि जब हम सैलो ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जब सप्लाई जो है वो ऑलरेडी बॉडी में कम है, तो माइंड तक और कम पहुँचती है, तो जब माइंड पर ऑक्सीजन और कम पहुँचती है तो माइंड जो है वो मुश्किल स्थितियों से बचने की कोशिश करता है। जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, इवन डिफ़िकल्ट लोग सामने से आ रहे होंगे, तो आप उनको भी अवॉइड करोगे, बिकॉज आप वो एनर्जी फील नहीं करते। जबकि क्या होगा, जब आप ब्रीदिंग अच्छी करने लगोगे, डीप ब्रीदिंग की आपकी हैबिट बन जाएगी, तो कितनी भी मुश्किल सिचुएशंस हैं, कितनी भी आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन का आप पहले मुकाबला करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप में एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपका माइंड सिचुएशंस को अवॉइड करने की जगह उसको इंगेज करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की जगह उसको इंगेज करना शुरू करेगा। तो यही तो एक अच्छे जीवन की पहचान क्या है,
जो खराब जीवन है उसमें हम समस्याओं को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाल दिया, समस्याएं आ रही हैं, हम सोचते हैं कि वो अपने आप चली जाएंगी। नहीं, जब तक आप उसको इंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे, सामने समझेंगे नहीं, तब तक वो समस्याएं बनी रहेंगी। तो ये आपको डीप ब्रीथिंग इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है कि जीवन में जितनी भी विकट मुश्किल समस्याएं हैं उनका आप सही से मुकाबला करें और उनका निदान करें, उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये एक्स, 4X और 2X ये आप रट लीजिए, और कभी भी सुबह से लेकर रात तक कई बार दिन में इसको कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका 100% बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और फायदे को खुद से महसूस करेंगे आप, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद फील करेंगे। राइट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।